नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा आपका शरीर, मन और आपकी चेतना, अर्थात आपकी आत्मा, आत्मा का स्तर। कैसे आप अपने शरीर से शुरू करके अपनी आत्मा तक पहुंचते हैं, मन कि उसमें क्या भूमिका होती है और मन की सहायता आप कैसे ले सकते हैं, या मन आपकी यात्रा में क्या-क्या मुश्किलें डालता है, यह आज हम चर्चा करेंगे। संसार में आप शरीर के द्वारा प्रकट होते हो। शरीर आपकी अभिव्यक्ति का प्रथम स्तर है। आपको भूख लगती है, आप भोजन करते हो, प्यास लगती है, पानी की आवश्यकता होती है, आप पानी पीते हो, जब शरीर थक जाता है तो आराम करते हो। ये आपके शरीर के मूलभूत गुण हैं और वह शरीर इन्हीं गुणों के सहारे इस संसार में रहता है। आपके इसी शरीर का एक हिस्सा आपका मस्तिष्क है और वैसा ही एक दूसरा हिस्सा आपका कॉन्शियस माइंड है, जो आपकी थिंकिंग पावर है। जो थिंकिंग पावर आपके दैनिक जीवन में काम आती है, जिस थिंकिंग पावर के सहारे आप अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करते हो, बाजार में जाना है, क्या खरीदना है, कैसे मोल भाव करना है, कितने रुपये पैसे का क्या सामान आएगा, किस मित्र के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना है, किन समय संबंध काट देने हैं, हमें किस विषय में पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, किसी तर्क का उत्तर देना है, ये सभी विषय आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा तय होते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड आपके दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह आपके शरीर का ही भाग है। तो जब आप अपने शरीर से थोड़ा भी भीतर की ओर चलते हैं, तो सबसे पहला सामना आपका आपके कॉन्शियस माइंड के साथ होता है, आपके चेतन मन के साथ होता है। आपका चेतन मन आपके शरीर का हिस्सा है। आपके शरीर का बिल्कुल वैसा ही प्राकृतिक हिस्सा है जैसे कि आपके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, दूसरी इंद्रियां हैं। उन्हीं इंद्रियों का जोड़ आपका कॉन्शियस माइंड है, जिसे आप अपनी आध्यात्मिक भाषा में कई बार चित्त कहकर भी संबोधित करते हैं। यह चेतन मन आपका बहुत तार्किक तरीके से काम करता है, हमेशा हर बात में तर्क ढूंढने की कोशिश करता है और किसी भी बात को बिना तर्क के स्वीकार नहीं करता है। तो जहां भी आप देखें जीवन में कि आपका मन तर्क कर रहा है, तो समझिएगा कि आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जब आप इसके भीतर थोड़ा सा और भीतर जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी कंडीशनिंग है। आपको बचपन से सिखाया गया है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं या सिख हैं या क्या धर्म आपका है, ये आपको बचपन से सिखाया गया है और वह अब इस अवस्था में पहुंच चुका है, इतना विश्वास दृढ़ हो चुका है कि आपकी सारी क्रियाएं उसी धर्म के मुताबिक होती हैं, ये आपकी कंडीशनिंग है। आपको बताया गया है कि आपको यह करना चाहिए, आपको भगवान की पूजा ऐसे करनी चाहिए, आपको बताया गया है कि बड़ों के प्रति ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए और आप वैसा ही करते हैं, क्योंकि ये आपके भीतर एक कंडीशनिंग भर दी गई है, आपके भीतर हैबिट्स पैदा कर दी गई हैं। तो जितनी आपकी हैबिट्स होती हैं, जितनी आपकी कंडीशनिंग होती है, जिसको आप कई बार कहते हो कि आपकी अंतरात्मा की आवाज है, यह अंतरात्मा की आवाज और कुछ नहीं आपकी कंडीशनिंग है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपके कॉन्शियस माइंड और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच में पहला फर्क तो यह होता है कि कॉन्शियस माइंड हमेशा तार्किक तरीके से सोचता है, तर्क उसके लिए काम करने का एक तरीका है और वह तर्क के सहारे ही काम करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं जानता। आप जो भी उसको समझाते हैं, वह वैसे ही समझ जाता है। आप उसे कहेंगे कि देखो माहौल कितना गमगीन है, तो वह आपको गम से भर देगा। आप उसको कहोगे कि देखो वातावरण कितना उल्लासपूर्ण है, तो वह आपको उल्लास से भर देगा। वह तर्क नहीं जानता। जो आप सजेशन उसको देते हैं, वह उस सजेशन को गॉस्पिल ट्रुथ मानकर, परम सत्य मानकर स्वीकार करता है और आपको उसी प्रकार के परिवर्तन से भर देता है। इसलिए
कई बार कई लोग आपने कहते सुने होंगे, जैसा आपका मन है वैसा ही आपका शरीर हो जाता है, और उसका कारण यही है। गीता के समय आपने देखा था अर्जुन के सामने एक सबकॉन्शियस लेवल का द्वैत था। जिन दादाओं को, जिन पिताओं को, जिन गुरुओं की गोद में वो खेला है, वो उनके ऊपर बाण कैसे चलाए, उसके सामने एक संकट था, उसके सामने कंडीशनिंग का संकट था। उसको कंडीशन किया गया था बचपन से कि ये सब लोग तो परम आदरणीय हैं, इनके विरुद्ध नहीं खड़ा हुआ जा सकता, इन पर वार नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं शिथिल हुआ जा रहा हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं और मैं अपने आप को भ्रमित महसूस करता हूं। तब ऐसे में श्री कृष्ण आगे आए और उन्होंने अर्जुन के किसी शारीरिक उपचार को नहीं किया, उन्होंने उसे कोई दवाई नहीं खिलाई, उन्होंने कोई औषधि नहीं दी, उन्होंने उसे गीता का ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान जिसने अर्जुन के मन की कंडीशनिंग को तोड़ा। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो गीता इस संसार का सबसे पहला साइकोलॉजिकल महाकाव्य है जिसने साइकोलॉजी की ऐसी स्थापनाएं की जो आज के जीवन में भी उसी प्रकार से विद्यमान है जैसे कि वो तब थी। उसमें मनुष्य के भीतर की शाश्वत बातें कही गई हैं और श्री कृष्ण ने मन के उपचार का तरीका बताया है। जिस समय इस पूरे ज्ञान को पाने के बाद जब अर्जुन की कंडीशनिंग समाप्त हो गई, तब वह युद्ध के लिए तत्पर हुए और अपना कर्तव्य पूर्वक युद्ध किया, जो भी परिणाम रहा हो। लेकिन गीता का महत्व युद्ध के परिणाम में नहीं है, गीता का महत्व उस मेथोडोलॉजी में है जिसके द्वारा उन्होंने अर्जुन के मन के द्वंद्व का इलाज किया। अर्जुन के सामने एक प्रश्न था उसकी सबकॉन्शियस कंडीशनिंग का, और उस सबकॉन्शियस कंडीशनिंग को श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान के द्वारा उसका उपचार किया। जब अर्जुन अपनी चेतना के स्तर पर पहुंचे, जब अपनी कॉन्शियसनेस को उन्होंने छुआ, तब उन्हें पता लगा कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है, जो गुरु के रूप में, जो पिता के रूप में, जो चाचा के रूप में या अन्य संबंधियों के रूप में जो सामने दिखाई दे रहे हैं, वह तो मात्र एक भ्रम है। आज भी आपके सामने सबसे बड़ी बाधा आपके मन की कंडीशनिंग होती है। आपको बचपन से भर दिया गया है कि आपको अमुक प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, आपको उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा आदर करना चाहिए, और आप उस कंडीशनिंग के शिकार हो जाते हैं। आप किसी व्यक्ति को प्रेम करना चाहते हैं लेकिन आपकी कंडीशनिंग है कि आप नहीं कर सकते हैं। उसमें जाति, धर्म, बंधन बहुत सारे आड़े आते हैं। यह कंडीशनिंग आपके सभी दुखों का कारण है। इस कंडीशनिंग से बाहर आना, यही हमारे अध्यात्म का मूल मंतव्य होता है। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखी जानी चाहिए कि जब आप अपने शरीर से चेतना की यात्रा करते हैं तो बीच राह में मन आता है, और मन आपका सहायक नहीं होता, बल्कि मन उसमें एक अटकाव बन जाता है, मन उसमें एक अड़चन बन जाता है। मन का विकास प्रकृति ने आपके जिंदा रहने की शर्त के रूप में किया है। मन वो सभी काम करता है जिससे आपका शरीर सुरक्षित रहे। आपको पानी की आवश्यकता बताता है, आपको भोजन की आवश्यकता बताता है, आपको डर के समय, आपको खतरे के समय भगा ले जाता है, आपको फाइट और फ्लाइट के मूड देता है, आपको तर्क देता है कि वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आपका मन आपके शरीर को जिंदा बचाए रखने की एक शर्त है। आपका मन आपको कन्वीनियंस ढूंढने के लिए कहता है, वह चीजों को रूटीन तरीके से करने के लिए कहता है ताकि आपकी ऊर्जा कम से कम खर्च हो। इस आधार पर आपका मन आपको सिर्फ आपके शरीर से बांधे रखने तक के लिए काम करता है। लेकिन जिस समय आप अपनी चेतना को शरीर के स्तर से ऊपर उठाते हैं, उस समय यह मन
आपके पांव में बेड़ियों के रूप में काम करता है। आपको यह समझना होगा कि आपका मन आपको रोक रहा है, आपके पांवों में बेड़ियां डाल रहा है, क्योंकि आपका मन आपको ऊपर जाने से रोकता है। यह आपको आपके परिवार के बारे में बताएगा, यह आपको आपकी शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में बताएगा, यह आपको समाज के बारे में बताएगा, यह दैनिक जरूरतों के बारे में बताएगा, और आपको रोक कर रखेगा ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से आगे ना उठ सकें। जब आप अपनी चेतना को ऊर्ध्वगति में ले जाना चाहेंगे, जब आप अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहेंगे, तो आपको मन के पार जाना होगा। और मन के पार जाने के दो तरीके हैं। कॉन्शियस माइंड को जब आप पार करना चाहेंगे, तो क्योंकि वो आपके शारीरिक अभिव्यक्ति का हिस्सा है, मन के पार जाने के लिए, कॉन्शियस माइंड के पार जाने के लिए आपको अपने शरीर को गिराना होगा। और शरीर को गिराने के लिए या तो आप बहुत अधिक शारीरिक मेहनत करेंगे, सूफियों ने इसके लिए वर्लिंग किया था, वो घूमते थे, लगातार घूमते रहते थे जब तक उनका शरीर गिर ना जाए, वो घूमते रहते थे। जो भक्त लोग होते हैं वो दूर लंबी यात्राएं करते हैं, वो अपने देवी देवता की से मिलने के लिए लंबी यात्राएं करते हैं, वो देव स्थानों की परिक्रमाएं करते हैं, कई कई किलोमीटर लंबी परिक्रमाएं करते हैं। ये सब उनके साधन हैं, ये उपाय हैं जिससे उनका शरीर गिर जाता है। कुछ लोग हैं लंबे व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, इससे उनका शरीर गिर जाता है और उनके चेतना को थोड़ा सा ऊपर उठने में सहायता मिलती है। तो शरीर को थकाना, वर्लिंग करना, सूफियों की तरह घूमना या लंबी यात्राओं पर जाना, तीर्थ यात्राओं पर जाना, पहाड़ों पर जाना यात्राओं के लिए, ये सब आपके शरीर को गिराने के तरीके हैं ताकि आपका मन अभिव्यक्ति पा सके। और जब आपका मन अभिव्यक्ति पा जाता है, तब उस मन के भी पार जाना होता है, और उस मन के पार जाने के लिए आपको अपनी कंडीशनिंग को छोड़ना होता है। शरीर के बाद आपका चेतन मन आया, उसको आपने थका के गिरा दिया। चेतन मन जैसे ही आपका गिरेगा, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आएगा, अवचेतन मन आएगा। अवचेतन मन आपकी हैबिट्स हैं, आपकी कन्वीनियंस हैं। उसको गिराने के लिए आपको अपनी हैबिट्स को गिराना होगा, अपनी सुविधाओं को गिराना होगा। आपका मन किसी भी दृश्य को देखने के लिए करता है, रुक जाए, ना देखें। आपको भूख लगी है, आपका मन खाने के लिए करता है, रुक जाए, ना खाएं। आपको प्यास लगी है, आपका मन पानी पीने को करता है, रुक जाए, ना पिए। जो आपकी हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स को जैसे ही आप वॉयलेट करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफीट होता चला जाएगा। आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड से पार जाने के लिए अपनी हैबिट्स को ट्रांसेंड करना होगा। आपका सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपकी आज्ञा मानता है, आपके सजेशंस को मानता है, आपके द्वारा दी गई भावनाओं को मानता है, तो आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलाना होगा कि हाँ, मैं आपका वॉयलेशन करना चाहता हूं, मैं आपको ट्रांसेंड करना चाहता हूं। हे सबकॉन्शियस माइंड, मेरे साथ रहो, मुझे रास्ता दो। हे सबकॉन्शियस माइंड, हे अवचेतन मन, मुझे रास्ता दो, क्योंकि उससे आगे तो चेतना का प्रकाश है। मन आपको रास्ता देगा, लेकिन उसके लिए आपको सजेशन देना होगा। और बहुत सारे दूसरे वीडियोस इस सीरीज में दिए गए हैं जिसमें इस बाबत चर्चा की गई है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड को हम कैसे ट्रांसेंड कर सकते हैं। जैसे कि आज भी बात हुई है कि जैसे जैसे आप अपने हैबिट्स को, अपनी कन्वीनियंसेस को, अपनी सुविधाओं को आप जैसे त्यागेंगे, वैसे वैसे आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठता चला जाएगा। जब मैं कहता हूं कि सुविधाओं को त्यागेंगे, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप एसी छोड़कर गर्मी में सोना शुरू कर दें, लेकिन जब आपको एसी की आवश्यकता महसूस हो, उस समय एसी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपको वहां ले जाना चाहता है। तो माइंड को ट्रांसेंड करना है। दूसरी बात ध्यान रखने की यह है कि कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, एनलाइटनमेंट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड। आपके मन का
जागरण नहीं होना है, मन कभी जागृत नहीं होता। मन तो इसी प्रकार से बनाया है कुदरत ने, मन का जागरण नहीं होता, जागरण आपकी चेतना का होता है। आपके अस्तित्व में परिवर्तन होता है, आपके मन में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आपका मन तो बना ही इस प्रकार से है। आपका मन अपने आप में एक बहुत उलझन भरा मसला है, तो मन को जागृत करने का ना प्रयास करना चाहिए और ना ही वो होगा, क्योंकि मन तो आपकी सभी पुरानी हैबिट से बना हुआ है। हैबिट्स को जागृत नहीं किया जा सकता। जागृति के लिए आपकी कॉन्शियसनेस है, आपकी कॉन्शियसनेस, आपका एग्जिस्टेंस परिवर्तित होना है और आपका दृष्टिकोण परिवर्तित होना है। यह परिवर्तन आपके अस्तित्व में आना है। आप इस संसार के दूसरे अस्तित्वों के साथ अधिक तालमेल में आ जाने हैं। यह ध्यान रखे जाने जैसी बात है कि जब तक आपका शरीर नहीं गिरेगा, आपका मन सामने नहीं आएगा, और जब तक आपका मन नहीं गिरेगा, आपकी चेतना सामने नहीं आएगी, तो हम जितनी भी अपनी क्रियाएं करते हैं, जितनी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, वो सब इसी प्रकार से करते हैं। पहले हम अपने शरीर को गिराते हैं ताकि मन प्रकट हो, मन शुद्ध रूप में प्रकट हो, और जब मन आ जाता है तब हम मन को गिराते हैं ताकि चेतना शुद्ध रूप में प्रकट हो। और जब आप एक बार चेतन में स्थित हो जाते हैं, तब आप उस स्थिति को पहुंचते हैं जहां हम कहते हैं आत्मा सुपरमात्मा या अहम ब्रह्मास्मि। तो इस पूरी यात्रा का यही सार है कि अपने शरीर को गिराएं, अपने मन की शुद्ध अवस्थाओं को देखें और अपने मन को गिराएं, अपनी चेतना की शुद्ध अवस्थाओं को प्राप्त करें। चेतना की शुद्ध अवस्था में पहुंचना ही आपका जागरण है, आपकी अवेकनिंग है, आपकी एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट मन के बाद आती है, मन से पार जाना होता है। जिस दिन आप मन को पार कर जाएंगे, आप एनलाइटेंड हो जाएंगे। मन एनलाइटेंड नहीं होता। आज के इस वीडियो में यहीं तक। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अगले वीडियोस के बारे में अपडेट रह सकें। हम दोबारा फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.